इंदौर के सराफा बाजार में ज्वेलरी बनाने वाला एक बंगाली कारीगर कई व्यापारियों का सोना लेकर फरार हो गया। मामला सामने आने के बाद पीड़ित व्यापारियों ने इसकी शिकायत सराफा पुलिस को की है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में अब तक 40 लाख से अधिक कीमत का सोना ले जाने की बात सामने आई है। देखिए इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की ये रिपोर्ट। आज एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसमें एक व्यापारी ने, जो बंगाली कारीगर है, उनको सोना जेवर बनाने के लिए दिया था, परंतु उक्त कारीगर द्वारा उक्त सोना के जेवर न बनाकर और वो सोना लेकर अपनी दुकान बंद करके फरार हो गया। इस पर धारा 406 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें शेख अब्दुल्ला के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जो फरियादी व्यापारी हैं राजू, उनका करीब 260 ग्राम सोना उन्होंने बताया। इसके अलावा अन्य लोगों के भी साथ में सोना ले जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिनसे पूछताछ की जा रही है। नहीं, वो ग्राम के हिसाब से है, मूल्य तो जो वर्तमान में प्रचलित होगा उस हिसाब से। ये अभी जो प्रथम दृष्टा शेख अब्दुल्ला नाम उन्होंने बताया, जो बंगाल का रहने वाला है और काफ़ी समय से यहाँ पर दुकान लगाकर अपना सोने चांदी की जेवरात बनाने काम कर रहा था। पिछले दिनों जो है सभी के रिकॉर्ड और उसकी जानकारियाँ पुलिस ने जी बिल्कुल, अभी भी हमारे पास सभी जितने भी यहाँ पे कारीगर हैं और काम करने वाले हैं सभी की ऑनलाइन जानकारी है। इस जो लेके गया उसकी भी संपूर्ण जानकारी हमारे पास ऑनलाइन है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।